तो इसके अंदर जो है ये जो कुर्बानी की ये भी इबादत की किस्म है। जैसे इबादत की जो उलमा बताते हैं वो क्या है कि इबादत की चार किस्में, यानी कि एक तो दिली इबादत यानी दिल से नियत होना, दूसरी जो है जबानी इबादत यानी जिक्र करना अल्लाह का तिलावत या इसी तरह में जिक्र करना अल्लाह की तारीफ बयान करना, ये जो है जुबानी इबादत है। इसी तरह जिस्मानी इबादत जिसके अंदर हम रोज़ा रखते हैं, नमाज, इसी तरह हो गया हज, ये सारी जिस्मानी इबादत हैं। और माली इबादत है यानी कि जकात देना, सदकात करना या हज करना, क्योंकि इसमें भी माल लगता है, और कुर्बानी करना तो ये कौन सी बात हो, ये माली इबादत है। तो ये माली इबादत है जिसके अंदर हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो माली इबादत के अंदर आता है। जिस तरह जो है तो हमको इस पर इसकी अहमियत के ताल्लुक से जानना चाहिए कि इसकी अहमियत इतनी है कि इसका कोई बदल नहीं है, वो कुर्बानी का कोई बदल नहीं होता है, वो कुर्बानी ही करनी पड़ेगी तभी कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसको कभी तर्क नहीं किया, इसको छोड़ा नहीं। इसके ताल्लुक से जो मिलता है अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 2788 कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते कि ए लोगों, हर घर वाले पर साल में एक कुर्बानी करना, जो उनका एक हर साल में हर घर वाले पर एक कुर्बानी है। तो इससे इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसकी ताकीद की है कि एक कुर्बानी है, तो इस बात से हमको इसकी अहमियत पता चलती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हर वक्त में किया जब तक आप हयात रहें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमीर भी कोई भी नहीं है और आपसे जो है गरीब भी कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो हम देखें कि गुरबत भी अल्लाह के रसूल में इतनी सही है कि हम में से कोई शायद ही हो जो 24 घंटे भी कभी भूखा रहा हो, कि जिसको 24 घंटे उसने कुछ खाया ना हो, तो हमारी हम अपने आप को देखें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम कई कई तीन दिन तक भूखे रहे और पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी तंगी के बावजूद भी हम देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कभी कुर्बानी को तर्क नहीं किया, कुर्बानी आपने की है। और इसके ताल्लुक से जो है सही तिर्मिजी की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लम मदीना में 10 साल रहे और हर साल अल्लाह के रसूल कुर्बानी किया करते थे। और एक बार का जो बुखारी में वाकया मिलता है कि इसकी अहमियत बताने के लिए ये वाकया मिलता है कि मदीना के अंदर एक बार कैस साली हो गई। कैस साली यानी कि क्या, कि वहाँ पर जो है पानी नहीं बरसा और फसल नहीं होगी, तो भूखे मरने की पूरे इलाके के अंदर आसपास में भी भूखे मरने के लोगों के पास नौबत आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने सारे लोगों को क्या किया कि सब लोगों को मदीना में जमा कर लिया, यानी जहाँ पे कैस साले दिखाने के लिए नहीं था सबको मदीना में जमा किया। और जब ईद उल अजहा का दिन आया तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि तुम जानवर ज़िबा करो, यानी जिसके पास जानवर थे उनको ज़िबा करो, और जो है इसके अंदर तुम 3 दिन से ज़्यादा उसको जमा ना करो, यानी कि तुम तब तकसीम कर दो, सब लोगों को दे दो, 3 दिन से ज़्यादा तुम इसको जखीरा ना करो, उसको जमा ना करो। लेकिन बाद में जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसको जो है हटा दिया इस अमल को, और कह दिया कि उसके बाद में कि तुम खाओ, जमा भी करो और लोगों को भी दो। लेकिन हम ये देखें कि इतनी गुरबत आने के बाद जब कैस साली हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर भी कुर्बानी को तर्क नहीं किया, कुर्बानी फिर भी की। उस पर जो है ये मसाइल अल्लाह के रसूल सल्लम ने कर दिया कि उसके बाद जमा नहीं करेगा कोई 3 दिन तक। लेकिन उसके बाद जब वापस उनके पास फरावानी आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि अब तुम जो है इसको जमा भी करो और इसको तुम खाओ भी और उसको तकसीम भी करो। ये जो है सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1719।